नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में दी गई ढील का मानवता पर भी असर पड़ सकता है, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लॉकडाउन में राहत के बाद दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ा था कोरोना संक्रमण। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन किया गया, जबकि कई देश बीच बीच में लॉकडाउन में रियायत भी दे रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में लॉकडाउन में राहत के कारण लाखों लोग शेयर करने के लिए बाजार में सड़कों पर निकल पड़ते हैं, और ऐसा लगातार पूरी दुनिया में हुआ है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत समेत कई देशों में रविवार को ही एक दिन में संक्रमण का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मरीज पाए गए। इस तरह से कोरोना की लड़ाई और इस दौर की चिंता का सबसे बड़ा विषय है। चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश भारत में संक्रमण के 2600 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि रूस में पहली बार कोरोना के नए मामले 10,000 के पार पहुंच गए। वहीं ब्रिटेन में कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या इटली में मरने वालों के करीब पहुंच चुकी है। इटली यूरोप में कोरोना बीमारी का केंद्र बन गया, जबकि ब्रिटेन की आबादी इटली से कम है, लेकिन ब्रिटेन के पास कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा वक्त था। इसके अलावा अमेरिका में रोजाना हजारों नए मामले कोरोना के पाए जा रहे हैं। शनिवार को यहां संक्रमण की वजह से 1400, जबकि रविवार को यहां पर 1450 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों ने ये माना है और कहा भी है कि लॉकडाउन में राहत के दौरान अगर कोरोना की जाँच नहीं बढ़ाई गई तो वायरस के संक्रमण के कारण दूसरा दौर भी पार कर जाएगा। दुनिया भर के कई हफ्ते के लॉकडाउन की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था साल 1930 के दशक की मंदी के स्तर पर पहुंच गई है, और यही एक वजह है कि जिसके कारण दुनिया भर के कई हिस्सों में कारोबार फिर से खोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अकेले चीन में ही 5 दिन के अवकाश के दौरान घरेलू यात्रा में छूट जब दी गई तो पर्यटकों और पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चीन की अगर बात की जाए तो हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण सिर्फ 2 नए मामले सामने आए हैं, खैर ये पूरी बातें देश और दुनिया की हैं। अगर बात करें हरियाणा की तो यहां पर कई ऐसे ज़िले हैं जिनको ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं सिरसा में 2 नए मामले डब्बावाली के अंदर आए थे, उनकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन फिर वहीं सिरसा को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। वैसे हरियाणा में लॉकडाउन फेज 3 का पहला दिन है और प्रदेश भर में ज़्यादातर दुकानें खुली हैं, सड़कों पर पहले से ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में ग्रीन और ऑरेंज जोन में इंडस्ट्री के साथ साथ बाजार भी खुल गए हैं। सोमवार को बाजारों में भीड़ बढ़ेगी। हाल ये भी है कि कुछ लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी बेपरवाह होकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का सुझाव भी बार बार दिया जाता है। कम से कम बाहर घूमें, इसका लिए जागरूक भी कर रही है पुलिस। इसके अलावा प्रदेश भर में शराब के ठेके नहीं खुले हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां शराब के ठेके खुले हैं और लंबी लंबी लाइनें भी वहां पर देखी जा सकती हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने ये घोषणा भी कर दी है कि आने वाले कुछ दिनों में शराब पर कोरोना से सेंस लगाया जाएगा और इससे शराब महंगी हो जाएगी। सिरसा के अलग अलग जगह पर चौक और चौराहों तथा गलियों में हर जगह आज भीड़ नजर आई। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।